नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है, वो मणिपुर गए हैं, तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में, तीन बार जा चुके हैं, ये तीसरी बार ही है, और ये दिखाता है। और पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिले हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। और राहुल जी ये तीसरा दौरा है उनका, और लोगों के साथ संवेदनशील तरीके से ये दिखाना कि आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपकी दर्द हमारी दर्द है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, सैकड़ों लोग का मौत मारे गए हैं, और तनाव है समुदायों के बीच में, शक का एक वातावरण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक प्रणाली वहां खत्म हो चुका है और हम राज्य सरकार पर भरोसा नहीं रख सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये उनकी टिप्पणियां हैं। पर ठीक है, पापा जो यूक्रेन के वॉर रुकाए थे, दावा किया था कि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध रोका था, वो वापस मॉस्को जा रहे हैं। देखिए, हमने आज उनसे 3 सवाल पूछे। एक सवाल तो ये पूछा है कि देखिए, मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेडवेडेव, उनके बीच में उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई, और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, महत्वपूर्ण सवाल, भारत का निर्यात जो है $3 अरब है, बस मुश्किल से $3.5 अरब है, पर आयात जो है $46 अरब है। ये भयंकर व्यापार असंतुलन है, व्यापार घाटा है, इसको हम संभाल नहीं पाएंगे, यानी कि हमारे उद्योग, हमारे व्यापारियों पर नुकसान हो रहा है इतने बड़े व्यापार घाटे से। तो क्या हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की क्या रणनीति है? क्या वो रूस के राष्ट्रपति से इसके बारे में बातचीत करेंगे? और तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, 50 युवा भारत के रूस के सेना में भर्ती हुए हैं, यानी कि यहां भी अग्निवीर वहां भी अग्निवीर, 2 लोगों की मौत हुई है, 2 युवाओं की मौत हुई है युद्ध में। पर यह क्या दर्शाता है कि हमारे युवा रूस के आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, यानी कि यहां गरीबी है, बेरोजगारी यहां है, उनको रोजगार नहीं मिलता, पेपर लीक होता है, कहीं सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो पाते, निजी कंपनियों में रोजगार नहीं मिलता, और रूस के आर्मी के में जाके भर्ती होते हैं 50 लोग। वहां के हमारे दूतावास ने माना है कि 50 युवा रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं, हमारे नागरिक हैं और रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं, और 2 की मौत हुई है। तो क्यों हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री इस पर चुप है? इस उठाना चाहिए, क्या ये हमारे युवाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं है कि वो इतने मजबूर हो गए हैं कि रूस के आर्मी में उनको भर्ती करना हो पड़ा? किसने भर्ती कराया? किस ठेकेदार ने भर्ती कराया? क्यों कराया, ये बताना चाहिए ना। तो ये सब सवाल उठते हैं। युद्ध रोकने में मैं युद्ध रोकूंगा, मेरे वजह से युद्ध रुका है, वो सब दावा कर सकते हैं, पर असली बात तो ये है ना, ये 3 सवाल। सर, राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर है, असम भी वो गए हैं, हाथरस भी वो गए और तमाम जगहों पर जा रहे हैं, इस एक्टिविटी को कैसे समझे? ये नेता प्रतिपक्ष है, अभी 22 तारीख को सत्र शुरू होने वाला है, ये सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हाथरस में जो हुआ, असम में जो बाढ़ हुआ है, भयंकर आपदा है, वो लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, कुछ 100 लोग जान भी गंवाए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, बहुत पीड़ा है, ये सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं है। और मणिपुर तो आप जानते ही हैं, 3 मई 2023 से जल रहा है, और मणिपुर में जो घटना घटी थी उसका आज हम भुगत रहे हैं। वो जो माहौल जो है मणिपुर में, वो सामाजिक सद्भावना का माहौल नहीं है, शांति का वातावरण नहीं है, वहां कोई प्रशासन का नाम ही नहीं है। तो इस पृष्ठभूमि में संदर्भ में एलओपी का जाना, नेता प्रतिपक्ष का जाना वास्तविक है, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। इंग्लिश आई वांट टू इंग्लिश अबाउट द
प्राइम मिनिस्टर विजिट टू मॉस्को एंड द अदर कंट्रीज? वेल, आई हैव रेज्ड थ्री क्वेश्चंस ऑफ द नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड मिस्टर पुटिन एंड द रशियन प्राइम मिनिस्टर डिमिट्री मेडवेडेव हैड मेट 16 टाइम्स इन 10 इयर्स. मिस्टर पुटिन एंड मिस्टर मोदी हैव मेट 11 टाइम्स. सो डज दिस मीन some cooling of relations between Russia and India? That's the first question. Second, our exports from Russia, our imports from Russia is almost $46 billion. Our exports to Russia is hardly about $3.5 billion. This is a completely unsustainable trade deficit. So what is the non-biological prime minister doing? Will he raise this issue of this unsustainable trade deficit, which is hurting our industry, which is hurting our trade? And third and most important issue is 50 Indian youth, by the Indian embassy's own admission, is fighting in the Russian army. 50, which means there are no jobs here. They are desperate, they're looking for jobs, and they have to go and become Agniveers for Russia. And two of them have died. So who is recruiting them? Which is this contractor? What are his political links? We can't give jobs to our youth. Our papers are leaking. Everything is leaking in our country. This economic situation is so dire that our youth has to go and find jobs to fight in the Russian arm, for the Russian army. So will the non-biological prime minister raise this issue with Mr. Putin? I mean, India and the Soviet Union first, and India and Russia have had very close economic, political and strategic ties. And that was the contribution going back to Jawaharlal Nehru in the early 50s and successive prime ministers, and with Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, Devegowda, even Mr. Modi has had, as I said, 11 meetings. Dr. Manmohan Singh had 16 meetings. So there's been a national consensus that the Soviet Union first and Russia has been a very close political, economic and strategic partner for India. But these are very basic questions that the non-biological prime minister has to ask, instead of claiming that I stopped the Ukraine war, as he did, as some of his drumbeaters did.